यूट्यूब चैनल ट्रेविट ब्लॉग्स दिस इज राज और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक जो न्यू स्टार्टिंग ब्लॉगर होता है उसको क्या क्या इक्विपमेंट अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे और क्या क्या इक्विपमेंट उसे यूज़ करने चाहिए ये वीडियो आज के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा हमारे साथ एंड तक तो मना सब्सक्राइब और, और लाइक बटन जरूर दबा कर तो गाय चलते हैं मैं और शायरी अपने सेटअप की जैसा कि आप देख सकते हैं आ, हमारा फर्स्ट आइटम बेसिक आइटम जो ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कोई अगर अफोर्डेबल प्राइस में ब्लॉगिंग करनी है स्टार्टिंग ब्लॉगर हो तो ये मोबाइल फोन आ जाता है आजकल सबके पास एक मोबाइल फोन आता है उस ब्लॉगिंग में अगर आपके पास कोई और इक्विपमेंट नहीं है तो आप ये मोबाइल फोन सिंपली यूज कर सकते हैं जिससे आपका कैमरा यूज हो जाएगा माइक्रोफोन फोन इसका इनबिल्ड होता है तो जैसे कि तो सबसे जो बेसिक चीज मोबाइल में ध्यान रखने के लिए वो इसका कैमरा आ जाता है कैमरे पे ही ब्लॉगिंग आती है उसी पे व्यूज भी आ सकते हैं कि क्लैरिटी है वीडियो में कि नहीं है और आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे कैमरे से अगर ब्लॉगिंग करेंगे कैमरे से अगर कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे तो नॉर्मल कैमरा से ओपन ना करें एक ऐप आता है ओपन कैमरा करके मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आ, उसको आप ऐसे देखेंगे तो उससे आप अपनी रेजोल्यूशन वीडियो की क्या करनी है क्या ब्राइटनेस रखनी है क्या वो करना उस पर डिपेंड कर सकता है उससे आप चेंज वेंज कर सकते हो उससे ब्लॉगिंग में बहुत हेल्प हो जाती है तो ये है हमारा सेकेंड टूल जो ब्लॉगिंग के लिए नेसेसरी है ये आप जैसे नॉर्मल अगर आप फोन से ब्लॉगिंग करेंगे तो आपका फोन जो आउटडोर नॉइजेज है जो बाहर की नॉइजेज है वो बहुत ज्यादा कैच करेगा जो आपकी वीडियो क्वालिटी पर बहुत ज्यादा फर्क ला लेते हैं और ये उससे व्यूज पे भी इफेक्ट होता है कि भाई वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो इस पर व्यूज नहीं आएंगे सब्सक्राइब नहीं आएगा तो उसका ये उपाय करने के लिए बेसिकली आपके साथ एक आ जाता है अफोर्डेबल माइक्रोफोन भी आई है अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाता है जेबीएल का लावालियर बैटरी ऑपरेटेड माइक्रोफोन तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे इसके अंदर आपको एक तो ये बेसिक आपको एक पैकेजिंग मिल जाएगी जिसमें ब्रांडिंग दे रखी है जे की और ये यूजर मैनुअल दे रखा है जेबीएल का और ये वारंटी कार्ड है एक साल का इसके साथ मिलता है तो छः सौ रुपये में आपको वारंटी कार्ड मिल रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात ही है एक साल की वारंटी है इस पर तो अब हमने बेसिक प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं इसमें क्या आता है कि हम जैसे ही इसे ओपन करेंगे इसमें आपका माइक्रोफोन है जिसकी वायर मेरे को तो मेरे हिसाब से तो पाँच मीटर से भी ज्यादा लंबी बहुत ज्यादा ही लंबी वायर है और ये उसके साथ की एक्सेसरीज है जैसे आपको डी से कैच का वगैरह से कैच ऑपरेट करना माइक को तो उसके साथ लगने के लिए ये बेसिक उसकी क्लिप्स और ये बैटरी मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ क्या क्या सो so आपको इसके साथ एक माइक्रोफोन का वो मिलेगा टॉप कवर ये बैटरी जो इसमें लग सकती है अगर ये बैटरी आपको बहुत इजीली किसी भी घड़ी वड़ी की शॉप में है वहाँ पर आपको मिल जाएगी और ये इसके क्लिप है जिसमें आप टी शर्ट वी शर्ट आप अपनी शर्ट पे प्लग कर सकते हैं इससे तो हम साइड और ये है डीएसएलआर के साथ अगर आपको यूज़ करना है आपके पास डी कैमरा है या फिर आपके पास कोई कैमरा है उसके साथ यूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या बेसिक करना है कि इसका जो ये ऑक्स है वो इसमें कनेक्ट कर देना है उसके बाद डी एस में कनेक्ट हो जाएगा और आप डी से इसे फंक्शन कर सकते हैं सब माइक की तरफ बढ़ते हुए इसकी जो कॉर्ड है वो कुछ ज्यादा ही लंबी है मतलब यूज में बहुत अच्छी आएगी ये इसका बेसिक ला वाली ऑप्शन है इसका यहां पे जिसमें आप बैटरी ऑपरेट कर सकते हैं इसे ओपन करके बैटरी इसमें डलती है जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैटरी का कैनल है इसमें एक वायर दे रही है रिबन टाइप की दे रखी है जिसमें आप बैटरी ऐसे डाल के ऑपरेट कर सकते हैं इसको और ये ऑक्स इसकी थ्री पॉइंट फाइव फाइव एम एम की जैक mm, mm मिल जाती है और ये इसका हेड टॉप है मेन हिस्सा है जिससे आपकी वॉइस कंट्रोल होगी और ये बाहर जो आउटडोर वॉइस है जो अनरिक्वायर्ड नेसेसरी है वो बहुत इजिली और बहुत एफिशेंटली रिमूव कर देता है सो नेक्स्ट टूल जो ब्लॉगिंग के लिए आपको चाहिए होगा वो आ जाता है आपका ये ट्रैप पॉड ये भी कम प्राइस में अफोर्डेबल प्राइस में आपको एमेजोन अली बाबा किसी भी चीज पे फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगा ये गोरीला ट्रायापॉड है जो फ्लैक्सीबल बहुत है और ये सिलिकॉन टिप्स के साथ आता है जिसमें ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है इसकी और एक रिमोट के साथ आता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा फंक्शन मेरे को इसमें लगा इसलिए मैंने ये मंगवा लिया है आप इस रिमोट को बेसिकली आई कैमरा या फिर अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी पेयर कर सकते हैं और जैसे आप देख सकते हैं इसकी लाइट ऑन हो गया मैं इस फो फोन से ऐसा आपको पेयर करके कर दिखाता हूँ तो आप जैसे ये रिमोट है इसमें आप एक छोटी सी लाइट है एलईडी लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाएगी जब आपको इस बटन से ऑन करेंगे और फिर अपने फोन से कनेक्ट कर लीजिए ए बी थ्री सर्टर के नाम से आता है इसका डिवाइस का नाम और जैसा कि आप देख सकते हैं वैसे मैंने ऐसे पे क्लिक करा वैसे यहाँ पे इमेज क्लिक हो जाएगी ऐसे क्लिक करूंगा एक और बार इमेज क्लिक, क्लिक, क्लिक हो जाएगी और एलईडी लाइट जलेगी तो ये ट्राईपॉट जैसे आप किसी दूर रख के ब्लॉग कर रहे हैं ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें आपके बहुत हेल्प कर सकती है जैसे कि आप दूर बैठे हो आपके कैमरे पास आने का टाइम नहीं है तो उसमें आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं सो so, जैसे कि आप अगर ट्राई करेंगे मोबाइल से अगर वीडियो बनाने की तो आप देखेंगे कि इसमें आप थम से बार बार आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा वीडियो ऑन या ऑफ़ करने के लिए और स्टेबिलिटी उतनी स्टेबिलिटी उतनी बड़ी बनी रहेगी और जैसे ही आप ऐसे ट्राईपॉड में यूज़ करेंगे तो इसमें पहली बात तो बेस्ट बात यह है कि इसमें स्टेबिलिटी बनी रहेगी और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसकी ये हो जाती है कि इसके साथ आपको ये बट ये रिमोट मिल जाता है जिसमें आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी स्टेबिलिटी कहीं पे भी दूर माइक रख देंगे वो ट्राईपॉड रख देंगे तो आप ऑन एंड ऑफ इसे बटन बटन एक एक बटन के क्लिक से कर सकते हैं तो हम अपने चौथे टूल पे आ जाते हैं जो ज्यादा नेसेसरी नहीं है कम्पल्सरी नहीं है ब्लॉगिंग के लिए पर आपके पास अगर है आपके अफोर्डेबल बजट में है तो आप इसे ले सकते हैं कोई भी सस्ता लैपटॉप आपका चल जाएगा विंडो सेवन हो या विंडो टेन हो लेकिन आप ले लेंगे तो इसमें क्या होता है कि आजकल तो बहुत सारे फोन में बहुत सारे एडिटिंग ऐप आ गए बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गए पर लैपटॉप में इनबिल्डेड ही होता है ये और आप सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करेंगे तो लैपटॉप में आपको ज्यादा क्लैरिटी ज्यादा ऑप्शंस के साथ एडिटिंग मिल जाएगी ज्यादा नेसेसरी नहीं है आप फोन से भी एडिट करके दिखा सकते हैं लेकिन इसमें क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा है इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ वरना ये उतना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है ब्लॉगिंग सो और ये है हमारा फिफ्थ टूल जो लॉगिंग के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है इसमें आप अपने जो भी आपके सारे गैजेट्स हो गए इससे आप नॉर्मल हाथ में कैरी तो कर नहीं सकते हैं कहीं पे भी आप ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे तो इसमें आप बैग में ऐसे कैरी कर लीजिए अपनी नेसेसरी रिफ्रे, रिफ्रेशमेंट्स तो अपने बैग में रख सकते हैं अपनी वाटर बॉटल लाइट फूड इन सब अपने बैग में रख सकते हैं जैसे आप कहीं कहीं प्लेसेस पे गए वहाँ पे आपको फूड मिलेगा नहीं कहीं पे खाना नहीं मिलेगा कहीं पे पानी नहीं मिलेगा तो आप अपने तो बैग में छोटे छोटे लाइट फूड लाइट चीजें कैरी कर सकते हैं बाकी आपकी जो भी सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो सब कैरी करके रख सकते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लॉगिंग के लिए और ये बैग जो होना चाहिए हमेशा लाइट होना चाहिए आप हैवी बैग लेके ज्यादा दूर तक कैरी नहीं कर पाएंगे और इफेक्ट पड़ता है शोल्डर्स पर बहुत ज्यादा तो ये बैग नेसेसरी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया जो ब्लॉगिंग की नेसेसरी इक्विपमेंट है वो सब मेरे पास आ चुका है सब मैंने ऑर्डर कर लिए थे तो सब मेरे पास वो सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं तो मैं जितनी जल्दी कोशिश जितनी जल्दी हो सके मुझसे तो उतनी जल्दी मैं आपको कोशिश करूंगा ब्लॉग आपके साथ शेयर करने की और अगर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जो दिया है वो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा थैंक यू लव यू ऑल बाय